हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी जायका। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ कलरफुल केक। तो यहाँ पर केक कैसा बनाना है तो पहले ही आपको मैं बता चुकी हूँ। ये बटर स्कॉच का मैं ये बना के रख चुकी हूँ। ये देखिए, ये बटर स्कॉच का थोड़ा एसेंस इसमें मिक्स करके केक का मिक्सचर यहाँ पर बना के रख चुकी हूँ मैं। तो चलिए इसमें कलर यूज़ कर मैं बता देती हूँ। जो पसंद है आपको वो कलर यूज़ कर सकते हैं। मैं ये 5 कलर यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए बता देती हूँ। यहाँ पर मैं निकाल ली 2 स्पून्स। तो 5 कलर तो अलग अलग से छोटे से बॉल में आप निकाल लीजिए। आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाके मेरे वीडियो में चेक करें। तो मैं केक कैसा, ये मिक्सचर कैसा बनाना है तो आपको पता चल जाएगा। तो उसमें देख के आप बना लीजिए। तो अभी इसमें मैं कलर ऐड कर लेती हूँ। ब्लू डार्क कलर है, एक बूंद काफ़ी है। उसके बाद येलो कलर, तो स्काई ब्लू कलर है, ये स्काई ब्लू कलर। थोड़ा डार्क चाहिए इसके लिए, ज़्यादा डाल रही हूँ मैं। ऑरेंज कलर, तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी बनाने का। और थोड़ा सा ये बचा लिया, ये भी चाहिए या अलग से सादा चाहिए। तो सबको स्पून अलग अलग यूज़ करें आप, ताकि कलर मिक्स ना हो। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑरेंज कलर है, थोड़ा और थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल लेती हूँ एक लिक्विड। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अभी यहाँ पर सब अच्छे से कलर मिक्स कर चुकी हूँ मैं। अभी हम लोग एक कोन लेंगे, एक ग्लास में रख देंगे। चलिए इसमें इस तरीके से कलर जो लिक्विड है केक का मिक्सचर वो डाल लेंगे। चलिए यहाँ पर डाल चुकी हूँ मैं सारा। इसी तरीके से सारे कोन भर लूँगी मैं। ये तरीका बहुत आसान होता है डालना, और अच्छे से भी कोन में आ जाता है सारा। तो कटिंग हम लोग बाद में करेंगे जब डालने का टाइम। तो चलिए इस तरीके से सारे में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे कोन भर के तैयार कर चुकी हूँ मैं। देखिए इस तरीके से, चाहे तो आप इसको रबर भी डाल सकते हैं, मैं रबर नहीं डाली हूँ। सारे कोन हो गए तैयार। तो चलिए अभी इसको कटिंग कर लेती हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले ये ही कलर डालना है, वाइट वाला मिक्सचर डालना है सबसे पहले। चलिए इसको डाल लेती हूँ मैं। वापिस इसको हम लोग उसी तरीका से फिर कलर कर लेंगे। जो कलर की लाइन बनाई थी वापस उसी तरीके से बना लूँगी, जैसा स्टेप पहले की थी वैसा। भाई कलर हो चुका है, तो ऊपर अभी मैं क्रीम कलर से इसको ढक रही हूँ। तो इसको अच्छे से कवर कर लेंगे हम लोग, जो क्रीम कलर है। चलिए अभी इसको इडली की पतीली में मैं रख देती हूँ। चलिए यहाँ पर रख चुकी हूँ मैं। तो देखेंगे 40 से 45 मिनट के बाद में। चलिए यहाँ पर अपना केक रेडी हो चुका है। पहले देखिए, तो इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद में इसको हम लोग व्हिप क्रीम लगा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर केक कैसा कटिंग करना है पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं। तो छुरी से इस तरीके से राउंड कटिंग कर ली हूँ मैं, और यहाँ पर धागा भी फंसा चुकी हूँ। चलिए इसको अभी हम लोग खींच लेंगे
हो गया। वाओ मस्त कलरफुल। तो चलिए इसी तरीका से मैं सारे लहरें, तो और एक पीस बता देती हूँ जो भी पहली बार देख रहा है तो उसको पता तो चले कैसा कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए एक इंच का इस तरीका से पहला हल्के से इसको इस तरीका से कर लेना है। हो गया। ये कितना अच्छा कलर आया है ना। तो और एक लहर हो जाएगा, मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो इसमें मैं शुगर सिरप ऐड कर लेती हूँ। चलिए व्हिप क्रीम लगा लेंगे अभी इसमें। तो इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ सारे। तो ये अच्छे से हो चुका है। चलिए इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं जब तक हम लोग कलरफुल क्रीम बना लेंगे। तो यहाँ पर केक रख चुकी हूँ मैं सेट होने के लिए। यहाँ पर जो जेल क्रीम बनाने के लिए मैं ली हूँ, यहाँ पर 50 ग्राम वनीला जेल है, 60 ग्राम वाइट चॉकलेट, चॉकलेट कंपाउंड वो वाला वाइट चॉकलेट है, और 60 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर गर्म करने के लिए रख चुकी मैं पतीली। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। तो अभी इसमें हम लोग जेल है वो ऐड कर लेते हैं। तो इसको भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर ले लेंगे ताकि जल ना जाए। चलिए अभी ये तैयार है, गैस बंद कर लेती हूँ मैं। देखिए इस तरीके से होना चाहिए एकदम। चलिए अभी इसमें अलग अलग, जैसा हम लोग केक के अंदर जितना कलर यूज़ किए थे अभी जेल क्रीम में भी उतना ही कलर हम लोग अलग अलग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जेल क्रीम बना चुकी हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से। अगर ज़्यादा ठीक हो गया तो आप इसमें इस चम्मच से एक चम्मच इसमें गर्म पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए तो पतले से अच्छे से हो जाएगा। तो ये भी अभी ठीक हो गया तो इसमें मैं एक एक चम्मच आधा आधा चम्मच गर्म पानी डाल के और इसको पतला बना ली हूँ। तो आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जल कम डालिए, 50 ग्राम की जगह 30 ग्राम जल डाल दीजिए तो सब प्रॉपरली हो जाता है। तो चलिए अभी मैं केक निकाल लेती हूँ, उस पर ये अच्छे से डेकोर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग टॉप से कलर डाल लेंगे। चलिए इसी तरीके से मैं सारा कवर कर लेती हूँ। हो गया ना क्यों कलरफुल केक हमारा।